हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फारा। गाइस, मैंने सोचा कि वीलॉग वीडियोस बनाने से पहले, अपलोड करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ और मैंने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया और मुझे कितना मिल जाता है यूट्यूब पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैं वो सब आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मेरा नाम है फारा सिद्दीकी मती, जो कि आपको फेसबुक पे और गूगल पे मिल जाऊंगी आसानी से अगर आप सर्च करेंगे। अगर आप गूगल पे फारा सिद्दीकी मती सर्च करते हैं तो मेरे जितने भी क्रिएटिव राइटिंग के वर्क्स हैं, जैसे मैं पोइट्री लिखती हूँ सोशल इश्यूज़ पर, मैंने ड्रामा लिखा है, अब तक की मेरी 4 पोइट्री बुक आ चुकी है जो कि आपको अमेजोन पर आराम से मिल सकती है, आप वहाँ पर मेरा नाम डाल के सर्च कर लेना। तो मैं सोशल इश्यूज़ पे पोएम लिखती हूँ, मेरी एक बुक है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, फिर दूसरी है लाइक है बॉर्न इन वीनस, और तीसरी मैंने निर्भया पे लिखी थी जो थोड़ा ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई थी, इंडिया डॉटर, जो कि निर्भया पे बेस्ड थी और वो मैंने 2016 में लिखा। और अभी मैं एक ड्रामा लिख रही हूँ जो कि बहुत ही इंगेजिंग है और वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन जो कि मुंबई से रजिस्टर्ड है, और वो ड्रामा भी कह सकते हैं आप और एक तरह से स्क्रीन प्ले भी कह सकते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर YouTube स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले आप में पेशेंस होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आप YouTube चैनल बना दिए, वीडियो अपलोड कर दिए और रातों रात वो हिट हो जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जबकि रियलिटी बिल्कुल उलट है। अगर आपको YouTube वीडियो बनाना है तो आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं रातों रात मैं वीडियो बना दूँ, एक रात में हिट हो जाएगा और मैं इतना महंगे कैमरे से बनाऊंगा, इतना अच्छा लाइटिंग वगैरह होगी और मेरा वीडियो हिट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अगर आपको वीडियो अपलोड करना है तो गाइस कम से कम 5-6 महीने लगातार आप अपलोड कीजिए, तब जाके आपका एक वीडियो वायरल होता है और तब YouTube आपको अच्छे खासे पैसे देते हैं। अगर आपके 1 मिलियन व्यूज़ हैं तो YouTube आपको कम से कम 40,000 से 50,000 रुपये आराम से देगा, और आप वीडियो अपलोड करते रहिए पेशेंस के साथ, तभी आपको एक वीडियो हिट होगा। जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था 2019 में, ये चैनल मैंने 2019 में स्टार्ट किया था फरवरी में, उस वक्त मैं आयरलैंड में थी, आयरलैंड जो कि लंदन से 1 घंटे की दूरी पर है, वहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब थी, शादी के बाद मैं वहाँ शिफ्ट हो गई, फिर मेरा बेबी भी वहीं हुआ और फिर हम तीनों वहीं थे, थोड़ा अकेलापन था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों नहीं आप इंडिया में जॉब अप्लाई करते हैं, तो फिर इंडिया में उन्होंने अप्लाई किया और उनका भोपाल में उनकी परमानेंट जॉब हो गई साइंटिस्ट की, वो भी गवर्नमेंट सरकारी, तो हम लोग बहुत खुश हुए और हम लोग भोपाल आ गए। उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सब, और फिर वीडियो तो मैं आयरलैंड से ही अपलोड करती थी और मेरे वीडियोज में व्यूज़ नहीं आते थे स्टार्टिंग में, तो व्यूज़ बिल्कुल नहीं आएंगे और लोग आपका चैनल क्यों सब्सक्राइब करेंगे, कुछ तो रीज़न हुआ कि वो सब्सक्राइब करेंगे। और सबसे पहले मैंने क्या किया था कि बच्चों पे मैं वीडियो बनाती थी कि हाउ टू टॉक इन इंग्लिश विद पेरेंट्स, मतलब कि पेरेंट्स भी और हाउ टू टॉक इन इंग्लिश विद किड्स, बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि बच्चे से इंग्लिश में कैसे बात करें, उनको भी खुशी मिलती है अगर उनका बच्चा इंग्लिश में बात करता है, तो मैं उस तरह का वीडियो मैं बनाई और फिर मैं बनाती रही जाके फिर मेरा 48 वीडियोज़ मैं बनाई थी, थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बार बार मुझसे बोल रहे थे कि नहीं धीरे धीरे ही वो वीडियो अगर आपका अपलोड होगा और धीरे धीरे वायरल अगर आपको करना है तो धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि अगर आपको पूरी मेहनत करनी है वीडियो पे लगानी है तो आप अभी से मत हिम्मत हारे। और मैंने वही किया, मैंने 48 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी थी और 48 वीडियोस में भी किसी वीडियो में मुझे 4,000-5,000 ऐसे मुझे व्यूज़ मिल जाते थे, लेकिन मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते थे। तो फिर एक दिन मैंने क्या किया, वीडियो बस मैंने ऐसे ही बना दिया, कुछ भी नहीं किया और मैंने बस ऐसे ही वीडियो बना दिए, जैसे राइट का क्या मतलब होता है, रीडिंग का क्या मतलब, बहुत हल्की फुल्की इंग्लिश में बिल्कुल बेमन से मैं बना दी, और वो मेरा 49th वीडियो था। और उस समय मैंने डिसाइड किया था कि अगर ये वीडियो मेरा नहीं चलता है, 2-3 वीडियो अगला और मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन बहुत आधे मन से मैंने बनाया वीडियो, और फिर मैं बना के अपलोड करके मैं फिर सो गई, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था और मैं दिन भर उसको देखती थी और फिर रात में मुझे टाइम मिलता था तो मैं वीडियो अपलोड करके मैं उसमें डाल देती थी, YouTube पे मैं अपलोड कर देती थी।
फिर मैंने 49th वीडियो मैंने अपलोड कर दिया और मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ये वीडियो धूम मचाने वाला है, यानी कि वायरल हो जाएगा। और वो वीडियो सच में मैं जब सुबह उठी तो उसके 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके थे, मैं बहुत खुश हुई। और मेरे सब्सक्राइबर 1000 से एक ही दिन में मेरे सब्सक्राइबर 7000 करके कुछ हो गए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। और फिर मुझे मोटिवेशन भी मिला कि नहीं, मुझे अब इसी पर बनाना है। तो मैं उस पर कम से कम मैंने 200-250 वीडियोस मैंने बच्चों पे बनाए कि बच्चे से इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में कैसे जाते हैं, टीचर से इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, इस तरह की वीडियोस मैंने अपलोड की। और बिगनर्स के लिए भी मैंने कोर्स पूरा चालू किया उसमें। और फिर धीरे धीरे फिर मुझे बोरिंग लगने लगा कि नहीं अब और क्या। आप कुछ सोचो कि 200-250 तक के वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसके बाद बचता ही क्या है। तो मैं थोड़ा बोर होने लगी कि मैं और कहाँ से कंटेंट लेके आऊँ नया कि मेरी ऑडियंस इंगेज रहे थोड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा मैं चेंज करती हूँ, थोड़ा बॉलीवुड न्यूज़ वगैरह एंटरटेनमेंट लेके आती हूँ, क्योंकि लोगों का काफ़ी ध्यान आकर्षित करते हैं ये सब न्यूज़ वगैरह। तो उसी वक्त रोहित सरदाना की डेथ हो गई थी, तो मुझे बहुत शॉक लगा था, मतलब कि मैं बहुत शॉक हुई थी कि कैसे अचानक से वो सरदाना की डेथ हो गई। वो भी कोरोना से, मतलब कोरोना था उनको लेकिन हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने सोचा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वो भी बहुत शॉक हुए कि नहीं इतना अच्छा जर्नलिस्ट, इतना बड़ा जर्नलिस्ट कैसे जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर आपको स्विच करना है तो आप अभी स्विच कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा, तो फिर मैंने लोगों को मैं बताना चाहिए, क्योंकि तुरंत जैसे ही उनकी डेथ हो गई थी तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं उन पर बस 1 मिनट का वीडियो मैं बनाती हूँ। तो रोहित सरदाना जी पे बस मैंने 1 मिनट का वीडियो बनाया, वो वीडियो मेरा वायरल हो गया, बहुत ज़्यादा लोग मुझे मिले। और फिर धीरे करते करते मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स मुझे हो गए, यानी कि कम से कम 30-40 हज़ार मुझे उस वीडियो से सब्सक्राइबर्स मिल गए। और फिर उसके बाद मैंने एंटरटेनमेंट न्यूज़ वगैरह, बॉलीवुड न्यूज़ ये सब मैं कहीं से अपलोड करती थी, फिर उस पर अपने चैनल पे मैं डाल देती थी। कई बार कॉपीराइट क्लेम भी आया तो मैंने डिलीट कर दिया वो वीडियो, मुझे डर भी था कहीं मेरा चैनल बंद ना हो जाए। तो फिर भी मैं करती रही, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ जब मैं क्रिएटर अवार्ड मुझे मिला और मुझे ये देख के मुझे खुशी हुई कि नहीं अगर ये बॉलीवुड न्यूज़ में डालूंगी तो इसमें मेरी क्रिएटिविटी क्या है। मुझे खुद से अपने को प्रूव करना है, मुझे खुद से चैनल को चलाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल मेरे नाम से जाना जाए कि नहीं, वो फारा सिद्दीकी मतीन का चैनल है और वो अपना वीलॉग कंटेंट जो भी हो वो पेश करती है इस चैनल के थ्रू। तो ऐसे करते करते फिर मुझे व्यूज़ मिले। कभी कभी क्या होता है कि चैनल में व्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 17-18 लाख तक हो जाते हैं। और अगर आपके कोई व्यूज़, अगर मान लीजिए आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं चैनल और आपको मिल जाते हैं 1 मिलियन व्यूज़, यानी कि 10 लाख व्यूज़ अगर आपको मिल जाते हैं, तो समझ लीजिए आपको 40-50 हज़ार आपको यूट्यूब डायरेक्ट देगा। और यूट्यूब डॉलर में देता है, जो कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में, और वो जब बैंक में ट्रांसफ़र होगा तो ऑटोमेटिकली वो रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे पैसे। और अब ये बात, अब दूसरा अगला क्वेश्चन है कि मैं कितना कमा लेती हूँ यूट्यूब से। तो गाइज मैं 25-30 हज़ार तक मैं यूट्यूब से आराम से बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे पुराने वीडियोज़ जो मेरे चल रहे हैं और अभी के वीडियोज़ चल रहे हैं, टोटल मेरे 300 या 320 वीडियोज़ हैं और कोई ना कोई चलता रहता है, तो मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं और मुझे 25-30 हज़ार रुपये मेरी इनकम हो जाती है। लेकिन तब भी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने वीडियोस आगे बढ़ाऊँ और अच्छे कंटेंट लाऊँ, ताकि मुझे मिलियन में व्यूज़ मिले और फिर मैं वीडियो में थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा ना, क्योंकि 1-2 वीडियो वायरल हो जाने के बाद फिर रफ्तार रुक जाती है, फिर आपका वीडियो फिर जल्दी कोई नहीं देखता है, तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और द मेन सोर्स ऑफ इनकम है मेरा बिजनेस जी। मैं अमेजोन पे और मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे मैं खुद का बिज़नेस चलाती हूँ और मेरी क्लोथिंग लाइन है, यानी कि मेरे कपड़े की खुद की ब्रांड है SFS। आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं SFS और उसमें आपको तरह तरह के सूट्स वगैरह दिख जाएंगे और वही मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, मैं उसी से मैं कमाती हूँ। और आप भी मुझे सर्च कीजिए। मेरे बच्चे को प्यास लग रही है। तो गाइज ये वीडियो आज के लिए इतना ही, आप बताइएगा ताकि मैं वीलॉग वीडियो लेके आ सकूं। और आप बताइए कि वीडियो कैसा था। मैं बस ऐसे ही बना के वीडियो आ गई, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, बस मैंने एक लिपस्टिक लगा ली हूँ और आप देख सकते हैं बाल भी मैंने बस झाड़ लिया है,
कुछ खास मैंने किया नहीं, तैयारी भी नहीं की, बस मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो कैसा लगे आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं और भी वीडियोज लेके आ सकूँ और भी आपको मैं बता सकूँ इसके बारे में। तो कीप इन टच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।